इस चीज को डंके की चोट पे बोल सकती हो सर कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। इसने अपना नाम कमाया, अपने दम पर जिंदगी जी, अपने दम पर बना। किसी को पता भी है सुशांत क्या था? अपने अपने पोर्ट्रेल से सबके सब अपना अपना लिखे जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस सर, बट इट हर्ट्स। दिशा सारियान के मर्डर में आपका हाथ है एक, दूसरा रिया चक्रवर्ती के और आपके संबंध में आपको 44 कॉल्स किए थे रिया ने। सुशांत सिंह राजपूत का मामला होने के बाद जहां पर बॉलीवुड चुप था, वहीं पर कहा जा रहा है कि अब लोग सुशांत को बहुत याद कर रहे हैं और उसमें से एक है अंकिता लोखंडे। जब से वो बिग बॉस के अंदर गई हैं भैया, उन्होंने इतनी बार सुशांत का नाम लिया कि लोग भी कहने लग गए उनको अब बस करिए, आप ये नाम अगर पहले लेती बिग बॉस में जाने से पहले तो लगता कि हाँ आप सुशांत के लिए बात कर रही हैं, पर अगर आप वो बिग बॉस के अंदर नाम ले रहे हो तो लग रहा है भैया ये वोट बटोरने के लिए लिए जा रहे हैं, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। और वहीं पर बिग बॉस के अंदर उनको किसी ने गोल्ड डिगर बोल दिया है। जी हाँ, क्यों आखिरकार? क्योंकि जिस प्रकार को आप बातें कर रही हैं उसके बाद गोल्ड डिगर शब्द जो उनके लिए यूज किया गया है वो कितना सही है कितना गलत है आपको आगे बताएंगे। पर सबसे पहले आपसे यहाँ पर अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको बता दिया जाए जिस तरीके से सुशांत मामला होने के बाद अंकिता लोखंडे को लेकर सवाल इतने उठे नहीं थे शुरुआत में, पर जब उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा, उनकी शादी हुई, उनकी शादी की वो दिन 14 दिसंबर 14 तारीख को लोगों ने पकड़ लिया, फिर उनकी पार्टी में वो संदीप सिंह का आना, लोगों ने सवाल उठाए कि आखिरकार क्यों, आखिरकार मतलब पहले साल ही बर्थडे मनाना क्यों जरूरी था, और अगर बर्थडे ही मना लिया था तो बिग बॉस के अंदर आकर सुशांत का नाम लेना क्यों जरूरी था? एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, पर लोग यहाँ पर उन पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। हम नहीं उठा रहे हैं, जनता उठा रही है। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने फिर से एक बार बिग बॉस के अंदर कुछ बातें रखी हैं, पर वो बातें रखने से पहले आपको बता दिया जाए बिग बॉस के अंदर एक शख्स है अभिषेक कुमार, उन्होंने भाई अंकिता को बोला है गोल्ड डिगर। क्यों बोला है आप पहले ये जान लीजिए। आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि अंकिता को फिर आई सुशांत की याद। मतलब भैया यहाँ पर न्यूज मीडिया वाले भी थक गए हैं, ये फिर आई याद लिख लिख कर, क्योंकि बहुत बार हो गया है। बोली ब्रेकअप की खबर अनाउंस नहीं करना चाहती थी, मनोवर फारूकी जो है उनकी हालत समझ सकती हूँ। मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब अंकिता क्या कह रही है आप सुन लीजिए। पहले अंकिता लोखंडे जब से बिग बॉस का हिस्सा बनी है वो अपनी मैरिड लाइफ और पास्ट दोनों को लेकर अक्सर चर्चा करती रहती है। अंकिता ने एक बार फिर एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया है। शो के कंटेस्टेंट ईशा से अंकिता ने कहा कि वो मनोवर फारूकी की हालत समझ सकती हैं कि उन्होंने क्यों अपने ब्रेकअप की बात छुपाई है, ये अनाउंस करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस ने कहा कि आपको ये उम्मीद होती है कि आपका रिश्ता सही हो सकता है, पब्लिक डोमेन में नाम आने के बाद रिश्ता बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा जब मेरा और सुशांत का ब्रेकअप हुआ था तो मैंने भी किसी से नहीं ये बात करी थी, ना ही किसी को बताया था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि सुशांत लौट के आएगा और सब ठीक हो जाएगा। बता दें शो में नया ट्विस्ट आ गया है। हाल ही में शो में मनोहर फारूकी की करीबी दोस्त आयशा खान की एंट्री हुई है। उन्होंने कहा जा रहा है कि मनोहर का डबल डेटिंग का आरोप उनमें लगा दिया, मतलब मनोहर फारूकी पर उन्होंने डबल डेटिंग का आरोप लगाया है, लेकिन मनोहर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया है। 2 साल तक किया था सुशांत का इंतजार, ये अंकिता लोखंडे कह रही हैं। अंकिता ने ईशा से कहा कई बार इंसान बताता नहीं है ब्रेकअप के बारे में क्योंकि उसे लगता है कि शायद वापस रिश्ता ठीक हो जाएगा, आपके अंदर एक उम्मीद रहती है। मुझे याद है जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो 2 साल तक मैं नहीं चाहती थी कि किसी को इसके बारे में पता चले। जब मैं विक्की के साथ रिलेशनशिप में आई तो सभी ने उसे बुरी तरह ट्रोल किया, लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया, इतना कोई नहीं देता। ब्रेकअप के 2 साल तक मैंने इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। अंकिता की बात सुनकर ईशा इमोशनल हो गई। ईशा ने कहा मैं समझ सकती हूँ, जब मैंने अभिषेक को डेट किया तो इन्हीं वजहों से मैंने एक इंटरव्यू में हमारे रिश्ते को कह जा रहा है कि एक्सेप्ट नहीं किया। अंकिता ने इसका जवाब देते हुए कहा मुझे सुशांत के वापस लौटने की उम्मीद थी क्योंकि हमारा रिश्ता 7 साल का था, मुझे उम्मीद थी कि वह घर लौट आएगा, इस कारण से मैंने किसी को नहीं बताया। मैं ऐसे घर में रह रही थी जिसमें हर जगह हमारी तस्वीर थी,
जब मैंने विक्की से मिली तो मुझे नहीं पता कि इसके साथ मेरा कुछ होगा, लेकिन उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर मनोहर फारूकी को अंकिता सपोर्ट कर रही है, मतलब जो यहाँ पर मनोहर फारूकी की सिचुएशन है उस सिचुएशन से कंपेयर करके कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे अपनी बात अब रख रही हैं बिग बॉस शो के अंदर। तो यहाँ पर सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि ये जो नाम बार बार लिए जा रहे हैं, ये नाम शायद पहले सारी कहानियाँ बताई जा सकती थी। और वैसे भी इंडस्ट्री के अंदर भैया कितने कितने रिलेशन होते हैं लोगों के, पहले यही नहीं समझ आता। अंकिता लोखंडे यहाँ पर बिग बॉस के अंदर ईशा से बात कर रही हैं और उनका नया ड्रामा शो के अंदर हुआ था, एक तरफ कोई और दूसरी तरफ किसी और की एंट्री हो जाती है। मनोहर फारूकी को सपोर्ट किया जा रहा है, मनोहर फारूकी की शायद पहले मैरिज हो गई है, ऐसी कुछ बातें हुई थी, या गर्लफ्रेंड व्हाटएवर जो भी उनकी पर्सनल लाइफ थी पहले, उसके बाद उनकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो जाती है। तो मतलब शो के अंदर मैक्सिमम लोग जो आते हैं क्या भैया, उनके बाहर कोई और, अंदर कोई और, पास्ट कुछ और, प्रेजेंट कुछ और, यही चलता रहता है। और उसके बाद अंकिता लोखंडे जब सुशांत का नाम लेती हैं तो उनको लगातार लोग ट्रोल कर देते हैं। और वहीं पर अभिषेक कुमार जो है बिग बॉस के अंदर, उन्होंने तो इनको गोल्ड डिगर तक बोल दिया भैया, गोल्ड डिगर बोल दिया। अब यहाँ पर जनता यहाँ पर कहा जा रहा है कि अलग अलग प्रक्रिया रख रही है इस बात पर, कोई कह रहा है भैया ये गलत है नहीं बोलना चाहिए, और कोई पक्ष कह रहा है कि सही है, ऐसा करा होगा उन्होंने कुछ और ये बार बार नाम ले रही हैं, बोलना चाहिए। अब भैया हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर यहाँ पर अंकिता को गोल्ड डिगर बोला अभिषेक ने, पर अंकिता ने फिर से सुशांत का नाम लिया बिग बॉस के अंदर। कितनी बार नाम ले चुकी हैं अभिषेक हम ये भी काउंट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लगभग 5-6 या 10 बार हो गया होगा, अभी नहीं कंफर्म है कि कितनी बार अंकिता लोखंडे ने यहाँ पर बिग बॉस के अंदर सुशांत का जिक्र करा है। और सुशांत का जितनी बार मुझे लगता है उन्होंने जिक्र करा है, उतने वोट सुशांत के नाम पर तो नहीं मिलेंगे उनको, ये कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इस समय वो सुशांत को लेकर बातें कर रही हैं, लोग के ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस बात का। लोग पहले कहते थे कि हाँ कहीं ना कहीं सुशांत के साथ उनका रिलेशन लंबा था, तो हो सकता है कि कुछ यादें हो, या फिर हो सकता है चीज़ें नहीं भुलाई जा सकती हों। पर बिग बॉस शो एक ऐसा शो है जहाँ पर जीतने के लिए वोट चाहिए होते हैं, और वोट कब मिलते हैं? जब जनता आपको सपोर्ट करती है। जनता आपको सपोर्ट कब करेगी? जब आप कुछ ऐसी बात करोगे या आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिसके बाद जनता आपको सपोर्ट करने लग जाए। और जब सुशांत का नाम आता है तो सबको मिलता है सपोर्ट, और जब जब सुशांत का नाम लिया गया तब तब देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट किया है। इसीलिए बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, मैक्सिमम लोग सुशांत का नाम जो 3 साल पहले नहीं ले रहे थे वो आज इसीलिए ले रहे हैं, क्योंकि किसी को अपनी फिल्म चलानी है तो किसी को अपना टीवी सीरियल चलाना है, किसी को अपने गाने चलाने हैं तो किसी को अपना शो चलाना है, कुछ इसी प्रकार अब बॉलीवुड का काम चल रहा है। और जब जब बॉलीवुड के कुछ लोगों को याद आती है सुशांत की तो वो नाम ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या लगता है, ये बार बार नाम लेना सही है गलत है, या बताइएगा। पर अंकिता लोखंडे ने तो बता दिया कि 2 साल के तक उन्होंने इंतजार भी करा और उसके बाद सुशांत लौट कर नहीं आए। अब रीजन और क्या क्या हो सकते हैं ये तो शायद सुशांत और अंकिता ही जानते होंगे, पर एक पक्ष तो अंकिता ने बता दिया, दूसरा पक्ष सुनने के लिए या फिर सुनाने के लिए आज वो इंसान हमारे बीच तो नहीं है। इसलिए कहानी यहाँ पर जो अंकिता ने सुनाई है पूरी अपनी स्टोरी बताई है पास्ट को लेकर, वो अभी भी अधूरी ही है और अधूरी ही रहेगी, क्योंकि पक्ष दोनों का सुनना चाहिए और दूसरा पक्ष सुनने के लिए या फिर सुनाने के लिए अभी हमारे बीच मौजूद नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स आप बिल्कुल आए, हम मिलेंगे बहुत जल्दी साथ में। आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड बिग न्यूज़ उसके साथ जुड़िएगा, और फेसबुक का नया चैनल जो है सागर मल्ला उसके साथ भी जुड़िएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।